आप घर बैठे बाहर की टेस्टी रेसिपी खाना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए निसाज कुजीन को, और बेल आइकन दबाकर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोस का मैसेज इजली आप तक पहुंच सके। थैंक यू फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने जो पराठा लेकर आई हूँ वो है आलू, प्याज और टमाटर का पराठा। उसके लिए मैंने टमेटो को चॉप्ड कर लिया है, आलू को भी बारीक चॉप कर लिया है और प्याज को भी चॉप कर लिया है, और ये हमारा नॉर्मल आटा है। तो चलिए बनाते हैं आलू प्याज टमाटर का पराठा। फ्रेंड्स, मैंने गैस पे आयरन की कढ़ाई गर्म होने के लिए रखी है। अब उसमें मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, साथ ही मैं थोड़ी सी जीरा डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारे जीरा में तड़का आना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज, टमाटर, आलू सभी को मैं हल्का भून लूँगी। ये प्याज, टमाटर, आलू का मसाला पराठा है जो बहुत ही अच्छा लगता है। इसे आप लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर किसी भी टाइम में इंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो आप इसे किसी सब्जी के साथ इंजॉय करें या चटनी वगैरह के साथ, सभी के साथ ये परफेक्ट अच्छा टेस्ट का तैयार होता है। प्याज में ही मैं थोड़ी सी मसाले डालूंगी। हमें सब्जियों को गलाना नहीं है, प्याज और टमाटर को थोड़ी सी क्रंचीपन ही रहने देनी है। हल्दी, ब्लैक पेपर, कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, देखिए प्याज के साथ हम इसे भून रहे हैं। अब यहाँ पे मैं अपने आलू को डाल दूंगी। आलू को डालकर थोड़ा सा मसाला के कच्चापन निकलने तक भुनेंगे। हमारा मसाला अच्छे से भुन गया है, अच्छी सोंधी खुशबू आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे चॉप टमाटर डाल दूंगी और उसे भी कच्चापन खत्म होने तक भून लूंगी। फ्रेंड्स, आलू प्याज टमाटर सभी का कच्चापन निकल गया है और अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए हमारा कढ़ाई भी छोड़ दिया है ये। तो अब मैं इसे आटा में डालकर एक अच्छा सा मिक्स करके आटा में अच्छा सा सॉफ्ट डो तैयार कर लूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए जो हमने आलू प्याज टमाटर को भूंजा था उसको ठंडा हो जाने के बाद हम आटा में डालकर थोड़ी सी नमक डालकर एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, और उस डो को 10 मिनट रेस्ट पे रखकर फिर उसका पराठा बनाएंगे। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसके पराठे बना लूँगी। तो पराठे बनाने के लिए मैं नॉर्मल साइज से थोड़ा सा बड़ा लोई लेंगे। देखिए इस पे मैं थोड़ी सी सूखा आटा स्प्रिंकल करके बहुत ही खस्ता और मसालेदार पराठा बनकर तैयार होता है ये।
अब मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। आप घी, तेल, बटर जो आपका पसंद हो, अपने पसंद के अकॉर्डिंग आप इसके ऊपर लगाएं। उसके ऊपर थोड़ी सी सूखा आटा स्प्रिंकल करके यूं फोल्ड कर दूंगी इसे। घींच कर थोड़ा ऐसे रोल कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ी सी सूखा आटा स्प्रिंकल करके इसे हम बेल लेंगे। बड़ा, छोटा, जैसी मर्जी वैसी आप पराठा बनाइए। मैं थोड़ा स्मॉल साइज़ का ही बना रही हूँ। अब मैं तवा को गर्म करूँगी। ये देखिए हमारा तवा गर्म हो रहा है। इसके ऊपर मैं ये पराठा डालकर इसे जब तक अच्छा सा लाल और क्रिस्प हो उतना सेक कर पराठा बनाऊँगी। जब तक ये सिकता है तब तक मैं दूसरे पराठे की तैयारी करती हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए ऊपर से कलर थोड़ा चेंज हो रहा है, तो हम पराठा को पलट देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। दोनों तरफ से हम क्रिस्प करारा पराठा को सेक लेंगे। एक साइड से, जिस साइड से सिक गया है उस साइड थोड़ी सी घी लगाकर फिर हम उसे पलट कर, देखिए दूसरा साइड भी हमारा कितना अच्छा सिक गया है। दूसरे साइड भी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार हुआ है। देखिए मसालेदार आलू प्याज टमाटर का पराठा। आप इसे अपने मनपसंद की फेवरेट सब्जी के साथ सर्व करें। देखिए इसी तरह से हम बाकी पराठों को भी बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा आलू प्याज टमाटर का मसालेदार पराठा बनकर रेडी है। इसे मैंने भेज कोरमा के साथ आज सर्व किया है। ये हमारा डिनर है आज का। आप भी बनाइए और हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। क्रिस्प करारी और मसालेदार पराठे की रेसिपी, देखिए कितना अच्छा ये लेयर्ड पराठा बनकर तैयार हुआ है। देखिए बिल्कुल मस्त, यम्मी और क्रिस्पी। फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ 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 हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने सजेशंस ज़रूर दें। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी हमारे चैनल को प्रमोट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।